नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। अनिल की जगह आरएसएस के दबाव से सीएम बने थे जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री की चोट गंभीर, डॉक्टरों की सलाह, बिस्तर से ना हिले सीएम। आश्रय बोले, सत्ता का मुंह नहीं, अनिल शर्मा ने भाजपा के मुंह पर फेंका इस्तीफा। देवियों के दरबार में अष्टमी नवमी की धूम, हजारों भक्तों ने टेका माथा। कुल्लू के बंजार में 2 किलो चरस के साथ 2 धरे। मैदानी व मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहर बरपाएगा मौसम, 16 व 17 अप्रैल को बारिश बर्फबारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम शर्मा ने कहा कि जयराम ठाकुर आरएसएस की वजह से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि हमने भाजपा के लिए प्रचार किया था और 43 सीटें जीती। उन्होंने कहा कि वरिष्ठता में मेरे बेटे अनिल शर्मा का कद बड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो जयराम ठाकुर को बनाया, जबकि मैंने कहा था कि हमारी वजह से आप सत्ता में आए हो, इसीलिए अनिल को मौका मिलना चाहिए। पंडित सुखराम ने कहा कि जयराम ठाकुर उस समय राजस्थान से आरएसएस कनेक्शन से हाईकमान पर दबाव डाला और मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिए गए। मंडी के विपाशा सदन में द्रंग कांग्रेस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पंडित सुखराम ने कहा कि मैं फिर दिल्ली में इनसे मिला और मैंने कहा कि मेरा बेटा काम करने की इच्छा रखता है, इसलिए इसको लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और पशुपालन विभाग दे दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सिर्फ ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा को बनाया गया। यह विभाग भी आधा अधूरा अनिल शर्मा को दिया गया। पंडित सुखराम ने कहा कि अन्य मंत्रियों को 3-3 विभाग दे दिए गए, जबकि अनिल को मात्र 1। इसके बाद मैंने कहा कि मेरे पोते के लिए टिकट मंडी से दे दो, इसको मैं सांसद बनाना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने टिकट नहीं दिया। हमसे कांग्रेस ने संपर्क किया और टिकट दे दिया। सुखराम ने कहा कि अनिल शर्मा बतौर भाजपा के सदस्य विधायक 5 वर्ष पूरे बने रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जब चुनाव होंगे तो उसके बाद फैसला होगा कि वे भाजपा के रहेंगे या कांग्रेस में आएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपके पांव में लगी चोट गंभीर है और आप भी इसे गंभीरता से लें। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास ओकओवर में सुबह उन्हें देखने के लिए डॉक्टरों की 2 टीमें आईं। उन्हें सलाह दी गई कि वह फिलहाल बिस्तर पर ही रहें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए घातक साबित हो सकती है। डॉक्टरों ने घर आकर उनके पांव का मुआयना किया और उन्हें जरूरी दवाएं देने के साथ कहा कि वे आराम करें। गौर रहे कि मुख्यमंत्री के भतीजे की रविवार को मंडी में शादी है, जहां उनका पहुंचना बेहद जरूरी है। वहीं चुनाव के दौर में वे घर पर भी बैठे नहीं रह सकते। मुख्यमंत्री के सामने चोट को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सीएम चुनाव के दौरान फील्ड में रहेंगे, ऐसा उन्होंने ठान लिया है और रविवार को वो मंडी भी जा रहे हैं। करीब 4 महीने पहले सीएम का पांव मुड़ जाने की वजह से उसमें लिगामेंट टियर हो गया था, जिसके बाद भी वो प्रदेश के कई हिस्सों में चुनावी जनसभाएं कराए। हालांकि डॉक्टरों की सलाह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को पूरा दिन ओकओवर में आराम किया। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने भाजपा पर तगड़ा जुबानी हमला बोला है। अनिल शर्मा द्वारा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आश्रय शर्मा ने भाजपा को चुनौती दे डाली है कि भाजपा को अगर इतनी ही पीड़ा है तो अनिल शर्मा को पार्टी से निकाल कर दिखाएं और फिर भाजपा भी पंडित सुखराम का रौद्र रूप देखने को तैयार रहे। आश्रय ने कहा कि हमें सत्ता का लोभ नहीं है, इसीलिए अनिल शर्मा ने अपना इस्तीफा उनके मुंह पर फेंका है। मंडी के विपाशा सदन में उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा को विधायक भाजपा ने नहीं बल्कि सदर की जनता ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लालची हैं। 3.5 वर्ष रहा कार्यकाल का तो इस्तीफा देके फेंका उनके मुंह पे। पूरे प्रदेश में शनिवार को देवियों के दरबार में अष्टमी और रामनवमी की धूम रही। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी, बजरेश्वरी तथा चामुंडा धाम में राज्य के बाहर से भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आकर माथा टेका। श्रद्धालुओं ने पावन पिंडी के दर्शन कर जीवन को धन्य किया। सिरमौर के बालासुंदरी मंदिर में भी लगभग 15,000 श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उपायुक्त सिरमौर एवं आयुक्त त्रिलोकपुर मंदिर न्यास ललित जैन ने बताया कि 7वें नवरात्र के दौरान माता को करीब 11 लाख नगद राशि के अलावा 21 ग्राम सोना तथा 1 किलो 635 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित की गई। सोलन शहर में भी अष्टमी और नवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आज के दिन घरों में ज्योति देख कन्याओं को भोजन कराया गया। इसी के साथ चैत्र नवरात्र का समापन हुआ।
कंडाघाट के रेलवे स्टेशन स्थित प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान दुर्गा पाठ और रामचरितमानस अखंड पाठ का आयोजन किया गया। उसके बाद मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। नवरात्र समाप्ति एवं रामनवमी के उपलक्ष्य पर सुजानपुर शहर के मंदिरों में भक्तजनों की लंबी कतारें देखने को मिली। बस स्टैंड पर व्यापारी भाइयों ने एकता का परिचय देते हुए जहां विधिवत हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं मंदिर प्रांगण के बाहर कन्या पूजन किया। रामनवमी के मौके पर शनिवार को पहाड़ों की रानी शिमला भजनों की स्वर लहरियों से भक्ति रस में डूब गई। राम मंदिर में रामकथा का आयोजन किया गया। सूद सभा के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि रामनवमी के पावन अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उधर समस्त धर्मपुर वासियों की ओर से मेन बाजार में भगवती जागरण आयोजित किया गया। इस दौरान यमुनानगर की विक्की चंचल एंड पार्टी ने मां का गुणगान किया, जबकि लुधियाना की पार्टी द्वारा झांकियां निकाली गई। राजगढ़ में कलगीधर ट्रस्ट बड्डू साहिब द्वारा बड्डू साहिब में दो दिवसीय खालसा साजना दिवस बैसाखी जोड़ मेला तथा किसान मेले का शुभारंभ हो गया। कलगीधर ट्रस्ट बड्डू साहिब के अध्यक्ष संत बाबा इकबाल सिंह की देखरेख एवं दिशा निर्देश में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में अमृत वेले गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। एक माह चले चैत्र मेलों में उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवसिद्ध में 5,31,00,000 का चढ़ावा चढ़ाया गया। भक्त बाबा के दर पिछले वर्ष के मुकाबले 26,00,000 अधिक चढ़ावा चढ़ा गए। एक महीने चले चैत्र मेलों में बाबा जी के भंडार भर गए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा वोट राष्ट्र निर्माण के लिए। मैं वोट जरूर दूंगा। मेरा वोट भूख मिटाने के लिए और देश बढ़ाने के लिए। मेरा वोट एक बेहतर भारत के लिए। मेरा वोट एक बेहतर भारत के लिए है। मेरा वोट राष्ट्र निर्माण के लिए। प्राकृतिक धरोहर को सहेजने के कार्य में लगी महाजन सभा दिल्ली द्वारा सुजानपुर महाजन सभा के सौजन्य से लगाए गए प्राचीन कुओं के नवनिर्माण का कार्य पूरा हो गया। प्राचीन तरीके से बनाए गए पानी के कुएं का शुभारंभ शनिवार को किया गया। इस मौके पर कन्याओं की पूजा की गई, स्थानीय लोगों ने नाचते गाते शुभारंभ करवाया। वरिष्ठ HAS अधिकारी डॉक्टर विक्रम महाजन ने कुएं का रिबन काट कर शुभारंभ किया। बताते चलें कि सुजानपुर के वार्ड नंबर 1 में प्राचीन प्राकृतिक पानी का कुआं खराब हो गया था। इसका पुनः उद्धार कर पुरानी विरासत को फिर से जिंदा करने का कार्य किया गया। रस्सी डालकर जिस तरह पुराने जमाने में पानी निकाला जाता था, फिर से उसी रूप में इसे बनाया गया है। लोग यहां पहुंचकर सेल्फी लेकर पुराने जमाने को याद कर रहे हैं। जिला कुल्लू के बंजार में पुलिस ने दो लोगों को 2 किलो 135 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बंजार पुलिस ने हेड कांस्टेबल जगदीश कुमार के नेतृत्व में नाका लगा रखा था और इस दौरान जब एक ट्रक की शक के आधार पर तलाशी ली तो उसमें से 2 किलो 135 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने ट्रक में सवार चालक और दूसरे व्यक्ति को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। SP कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस द्वारा चरस के साथ पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान अनिल शर्मा खुबड़ू सोनीपत हरियाणा और ओम प्रकाश पुत्र सुरजन सिंह दारबा मंडी के रूप में हुई है। विज्ञान की चेतावनी और मौसम के मिजाज हर किसी के दिमाग में तूफान मचाए हुए हैं। ये आपस में मेल खाते नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने फिर अनुमान लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर व चंबा के कुछ स्थानों पर 16 व 17 अप्रैल को बारिश और ओलावृष्टि होगी। मौसम विभाग की माने तो राज्य में ऐसे ही हालात बने रहेंगे, जबकि 15 से 18 अप्रैल तक समूचे राज्य में मौसम खराब रहेगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ बना रहा। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान में 1 से 6 डिग्री का उछाल आया है। कांगड़ा व डलहौजी के अधिकतम तापमान में 1-1 डिग्री की गिरावट आई है। शेष हिमाचल के पारे में उछाल रिकॉर्ड किया गया है। और अब खेल समाचार। चेतन ठाकुर को अंडर 23 महिला इंडिया ब्लू टीम का चीफ कोच बनाया गया। चेतन ठाकुर मंडी जिला क्रिकेट के हेड कोच भी हैं। वे 1995 से लेकर 2003 तक हिमाचल रणजी टीम के मेंबर रहे हैं। चेतन ठाकुर BCCI के लेवल 2 कोच हैं और ऑस्ट्रेलिया लेवल 2 कोर्स भी किया है। अभी इनको हिमाचल महिला अंडर 23 टीम का कोच नियुक्त किया गया है।
हिमाचल टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए बीसीसीआई ने इनकी कोचिंग की तारीफ की और इसी वजह से इंडिया ब्लू टीम का चीफ कोच नियुक्त किया गया। सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और जिला क्रिकेट एसोसिएशन मंडी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अभी 12 तारीख को मेरे को इंडिया ब्लू चैलेंजर कप के लिए कोच नियुक्त किया गया है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते ऊना के चरोड़ू में वॉल्वो कार में जबरदस्त भिड़ंत, कार चालक की दर्दनाक मौत। बिलासपुर की आस्था को देश के टॉप 3 IIM में मिला एडमिशन, क्षेत्र में खुशी की लहर। पांवटा साहिब के 104 वर्षीय धुड़ू राम को चुनाव आयोग ने बनाया स्वीप कार्यक्रम का मेन आइकन। और इलेक्ट्रिकल बसों के लिए प्रदेश भर में बनेंगे चार्जिंग पॉइंट, HRTC बिजली बोर्ड ने बनाई कार्य योजना। चैत्र नवरात्र में भक्तों ने माँ की आराधना कर माँ को अपनी भक्ति से खूब रिझाया और माँ के कंजक रूप में दर्शन करने के लिए कन्या पूजन करते हैं। तो आइए हम भी नवीन पंजाबी के इस भेंट के जरिए माँ के कंजक रूप में दर्शन करें। चंडी रानी दे दरबार कंजकां खेल दियां, शावा कंजकां खेल दियां, शावा कंजकां खेल दियां, बिंदला वाली दे दरबार कंजकां खेल दियां, शावा कंजकां खेल दियां, शावा कंजकां खेल दियां, खेल दियां दरबार कंजकां खेल दियां, खेल दियां दरबार कंजकां खेल दियां, रानी दे दरबार बिंदला वाली माँ दे द्वार कंजकां खेल दिया। पिपली पींगा पाइया कंजकां खेडण वारों वारी, चंडी माँ दी सोनी मूरत फुल्लां नाल शिंगारी, कंजकां खेडण वारों वारी, चंडी माँ दी सोनी मूरत फुल्लां नाल शिंगारी, बिंदला वाली मैया सानू लगदी बड़ी प्यारी हो, लगदी बड़ी प्यारी, बिंदला वाली दे दरबार कंजकां खेल दियां, आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।